अब हमने चैपल को विजिट किया है तो ये भाई हमें साथ साथ क्लासेस का भी विजिट करवाएंगे, जो यहाँ पर क्लासेस हैं उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनकी क्लासेस बंद है, लेकिन हम आपको यहाँ पर क्लासेस का विजिट करवाएंगे। तो आ जाए मेरे साथ आप लोग क्लासेस का विजिट। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए इनकी जो क्लासेस हैं वो अभी तो आप ये मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स को छुट्टियाँ हैं, सिर्फ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज सैटरडे है तो यहाँ पर उनके भी मतलब लीव है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आज ना घर गए हुए हैं। तो ये डिस्पेंसरी है स्टूडेंट्स के लिए ना, यहाँ पर ये डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है। इसके अलावा आगे हम साथ साथ चलते जाएंगे और मेरे साथ ये जो भाई हैं ये हमें साथ साथ गाइड करेंगे यहाँ की सेमिनरी के बारे में। ये क्या है? क्लासरूम। ये उनका क्लासरूम है। ये यहाँ कौन सी क्लास होती है? यहाँ फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के लेक्चर्स होते हैं। ये यहाँ भी एक क्लास है। इसके बाद आप आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये हॉल है उनका, ये बुक स्टोर है उनका। यहाँ पर सेमिनरी की जो बुक्स होती हैं यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, यहाँ से वो बुक्स लेते हैं बच्चे जो हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पर अगर आज हम क्लासेस तो खुली नहीं है और आप देख रहे हैं कि सारा यहाँ पर सन्नाटा है, तो इस लेकिन मैंने सोच रही थी कि आपको साथ साथ क्लासेस दिखाते जाएं और इस सेमिनरी की। तो ये भी एक क्लास है, यहाँ पर भी ये स्टाफ रूम है। इसके बाद आगे मेरे साथ चलेंगे आप तो हम दोबारा से उसी साइड पे आ चुके हैं, लाइब्रेरी वाली साइड पे। तो ये इस क्लासरूम्स की ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के लिए। इससे दूसरी साइड पे हम सामने वाली साइड पे जाएंगे तो इसके साथ साथ हम चलते जाएंगे। तो अगर मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा यहाँ से आपको हॉस्टल की बिल्डिंग जो है इस साइड से भी ये क्लासरूम्स आपको दिखा दिए जाएँ, कि मैं चाहती हूँ कि आपको सेमिनरी की जो सारी बिल्डिंग है वो भी नज़र आए, ताकि आप देखें कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये प्लेस है। और इससे साथ साथ अगर आप हम चलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ सामने बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ पर ये भाई बता रहे हैं कि ये न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेमिनरी की खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा प्लेस है। इसको जैसे भी चाहे सेमिनरी वाले मतलब बच्चों के लिए और यहाँ पर रूहानी तालीम के लिए जैसे भी चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो न्यू ब्लॉक्स बना रहे हैं, नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जितना भी देखा है सेमिनरी का बहुत खूबसूरत ये एरिया है और आप देखें कि यहाँ पर उनका लड़कों के लिए ज़बरदस्त सा ग्राउंड भी बना है और ग्राउंड की प्लेस बहुत अच्छी है। आगे हम चलते जाएंगे तो सामने हम अभी हम बॉयज़ हॉस्टल का विजिट करेंगे और उसको देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जहाँ पहुँच चुके हैं बॉयज़ हॉस्टल के सामने और ये बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ बॉयज़ हॉस्टल की एंट्रेंस में खड़े हैं तो ये भी एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत यहाँ पर भी तकरीबन 400-500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो ईजिली रह सकते हैं। और इतना ज़बरदस्त तरीके से ये हॉस्टल यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे मेस का, यहाँ पे उनके रहने का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। हम यहाँ पर इस हॉस्टल में एंटर हो चुके हैं और आप मेरे पीछे देखें कि ये हॉस्टल की यहाँ पर जो है संगे बुनियाद जब रखा गया, ये हॉस्टल बनाया गया, उसकी डेट मौजूद है 1960 में ये हॉस्टल जो है ये यहाँ पर बनाया गया। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त एक टाइम पीरियड यहाँ पर गुजरा और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने खुदा की तालीम को यहाँ से हासिल किया है और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और हम आपको यहाँ पर हॉस्टल की एक दफ़ा बस बिल्डिंग में चाहूँगी कि हम दिखा दें, ताकि आपको पता चले कितना ज़बरदस्त यहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने के लिए कितना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में यहाँ पर ऐसे कोई भी हॉस्टल्स नहीं होंगे जितना ज़बरदस्त ये हॉस्टल बनाया गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि
मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ कि यह इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा हॉस्टल बनाया गया कि यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। वो यहाँ पर उनके लिए स्टडी के लिए भी, खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और इन्वायरमेंट भी यहाँ की बहुत अच्छा है, अच्छी वेंटिलेशन है, बहुत ज़बरदस्त हॉस्टल है, बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है यहाँ पर। आगे हम सेमिनरी के कुछ और जो हिस्से हैं उनको देखेंगे, विज़िट करेंगे के इस सेमिनरी, और आप देखिएगा कि सेमिनरी की प्लेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये जगह है। और आज मुझे यहाँ पे गुजरांवाला में ये खूबसूरत सी जगह देखने का मौका मिला है, यहाँ पर विज़िट करने का मौका मिला है। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ सेमिनरी का ये खूबसूरत सा एरिया, अभी हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हम बाहर से आपको गर्ल्स हॉस्टल ज़रूर दिखाएंगे। अभी आप मेरे साथ साथ चलते जाएँ, इस खूबसूरत से एरिया को साथ साथ देखते जाएँ, और आपको आइडिया होगा कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी कितनी खूबसूरत प्लेस है। और आप सब भी ज़रूर यहाँ आइएगा और इसको विज़िट करिएगा और देखिएगा कि कितना खूबसूरत एरिया है, ये कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है इसको, और इतनी ज़बरदस्त प्लेस को, मतलब इतनी बड़ी प्लेस को इतना नीट रखा हुआ है उन्होंने। और आप ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए ज़रूर भेजिएगा। अभी हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ, और क्या कहा मैंने, गर्ल्स हॉस्टल की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते इसके, ठीक है। तो वहाँ तक जाएंगे और हम आपको गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग ज़रूर दिखा सकते हैं, कितना ज़बरदस्त ग्रीन ग्रीन एरिया है ये। यहाँ पर इनका दिसंबर में ना स्पोर्ट्स डे होता है, ये क्या चीज़ है, ये जो है यहाँ पे वो नर्सरी है, जहाँ पे बच्चों को रखते हैं, जो मतलब कि मैरिड है ना, जिनके बच्चे होते हैं फिर वो नर्सरी में रहते हैं। अच्छा, ये नर्सरी है, और ये जो बच्चों है ना उनके घर है ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर नर्सरी है पीछे पौधों के, इस तरफ ये जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं उनके घर है। और अभी हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ यहाँ से, और मुझे आज का दिन यहाँ इस सेमिनरी में गुजार के इसको देख के बहुत अच्छा लगा है, और मैंने तो इतना खूबसूरत एरिया देखा ही नहीं था, और आज मैं बहुत खुश हूँ इतने ज़बरदस्त एरिया में आके इस खूबसूरत एरिया को देख के विज़िट करके। और मैं आपसे फिर से यही कह रही हूँ कि आप भी ज़रूर आइएगा और यहाँ पर विज़िट करिएगा, और अपने बच्चों को स्पेशली ज़रूर भेजें इस तालीम को हासिल करने के लिए। तो अभी हम गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, बाय बाय, आपसे दोबारा मिल रहे हैं।